हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो. दिस इज़ विशाल सिंह परियार. आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर प्रिपरेशंस. सो बेसिकली ये वीडियो है एमटीएस हवलदार जीएसटी के फिजिकल के बारे में, जो कि अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है. तो मेरा भी फिजिकल था 19 तारीख को, तो मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो जाएंगे. तो पहला कि जो मेरा फिजिकल था वो 19 तारीख को था, SMS स्टेडियम एथलेटिक्स ग्राउंड जयपुर. तो मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी सुबह 8:30 बजे की, तो मैं लगभग 8 बजे वहाँ पहुँच गया. 8:30 बजे उन्होंने हमें अंदर ले लिया, बैग जमा कराया हमारे, और हमको ID वगैरह देख के सारी एंट्रीज करा के चेस्ट नंबर प्रोवाइड करा दिया. उसके बाद उन्होंने हमको दो ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी. तो पहले तो ऐसा हो रहा था कि ग्रुप ए का तो फिज़िकल हो रहा था, जो वॉकिंग हो रही थी, और ग्रुप बी का चेस्ट नाप रहे थे, जो मेजरमेंट था वो. तो उसमें लोगों की काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रनिंग अलाउ है या नहीं. रनिंग अलाउ नहीं है, सिर्फ आपको वॉक करना है 15 मिनट के अंदर 1600 मीटर. पूरे कैमरा लगे हुए हैं वहाँ पर, लोग भी खड़े रहते हैं जगह जगह पर आपको देखने के लिए कि आप दौड़ तो नहीं रहे हैं. अगर आप दौड़ेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे. कोई पर्टिकुलर ड्रेस नहीं है कि शॉर्ट्स पहन के जाना है, लोअर पहन के जाना है, ट्राउज़र पहन के जाना है, कुछ आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो चीज़ पहन के जा सकते हैं. जैसे शूज़ आपको पहन के जाने, वैसे शूज़ पहन के जा सकते हैं. तो 15 मिनट के अंदर 1600 मीटर चलना था. तो हमारी वॉकिंग हुई, सब लगभग लगभग सभी लोग चल लिए थे. एक दो लोग ही थे जो बाहर हुए थे, लगभग लगभग सभी पास हो गए थे. उसके बाद हमारी चेस्ट मेजरमेंट हुआ. तो चेस्ट जो है कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी होती है उसके नापने की, मतलब जब नापते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलानी होती है. लगभग लगभग सभी पास हो गए थे, और हम लगभग 12 बजे फ्री हो गए थे वहाँ से और अपने वापस आ गए थे. तो सिंपल सा फिजिकल है, ज़्यादा टेंशन मत लो. जो ग्राउंड है वहाँ का वो 400 मीटर का है, जो एथलेटिक्स ग्राउंड होता है पूरा मैट वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है. SMS स्टेडियम जयपुर में. मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आपको इससे हेल्प हो, मदद हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.